हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिफरेंशियल एकेडमी। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम एफकेट एग्जाम के बारे में कि कैसे कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब आप फॉर्म को फिल करोगे। और वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कैसे आपने टेक्निकल और जो नॉन टेक्निकल मटेरियल को फॉलो करना है अपने प्रिपरेशन के लिए, और क्या क्या डिफिकल्टीज आपको जनरली फेस करनी होती है, हम उन चीज़ों को ओवरकम कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म का, अब जो लास्ट डेट के बारे में। देखिए, फॉर्म जो हमारा है 15 जून को स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट है आपका 14 जुलाई। ठीक है, 14 जुलाई से पहले आपको इसको फिल करना है। और लास्ट में कई बार क्या होता है, पोर्टल बिजी हो जाता है, तो कोशिश कीजिए इसको पहले ही फिल कर दिया जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स के बारे में बात करिए तो ये हमारी क्या है इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ से आप डायरेक्ट वेबसाइट पर जा सकते हैं और आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं, देखिए कौन कौन सी हमारे इसके अंदर डिपार्टमेंट हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है हमारा डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो फ्लाइंग है, टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है और आपके मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है। ठीक है, इन सब में आपको अप्लाई करने का जो मौका दिया जा रहा है। और वैकेंसीज के बारे में बात करें तो फ्लाइंग की आपकी शॉर्ट सर्विस कमीशन की 74 वैकेंसीज हैं और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की आपकी आपकी 40 हैं, वो परमानेंट कमीशन। और ये हमारा क्या है एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के ए डिनोट कर रहा है हमारा एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। और ग्राउंड ड्यूटी की आपकी पीसी के लिए 23 एंड पीसी 08 वैकेंसीज हैं। ठीक है, और फ्लाइंग के लिए अगर बात करें तो फ्लाइंग के लिए जो 10% सीट रिजर्व होंगी आपके, कितनी जो भी हमारी परमानेंट कमीशन जो भी हमारी वैकेंसी है उनका 10% रिजर्व होगा फॉर एनसीसी, जो जितनी भी स्पेशल एंट्री हो रही है हमारी जो कि एक पास एनसीसी सर्टिफिकेट है। और मेट्रोलॉजी के बारे में बात करें तो मेट्रोलॉजी परमानेंट कमीशन की 10 वैकेंसीज हैं और आपकी शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 12 हैं। ठीक है, ये तो हुए वैकेंसी टेबल की बात, तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है, फिर उसी के बाद डिसाइड करना है कि आपको किस ब्रांच के अंदर अप्लाई करना है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारा, देखिए टाइप ऑफ कमीशन, तो नंबर ऑफ कमीशन हमारे 3 है, आपका परमानेंट कमीशन फॉर द मैन, शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर द मैन एंड वोमेन। और एज के बारे में बात करें, देखिए सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है एज कि बच्चों की जो एज है वो कौन सी डेट तक काउंट की जाएगी। ठीक है, आपका जो डेट है वो आपको 1 जुलाई 2021 यानी कि नेक्स्ट ईयर तक आपकी डेट अगर 20 to 24 ईयर है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इन्होंने आपको क्राइटेरिया भी दे रखा है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 1997 से लेके 1 जुलाई 2001 के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, और बोथ डेट को भी क्या करा गया, इंक्लूड किया गया, अगर आप इन पर्टिकुलर डेट पर भी आपका जो डेट ऑफ बर्थ है दैट मीन्स आप भी एलिजिबल हो, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और नेक्स्ट देखते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के बारे में, उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी दे रखी है 2 जुलाई 1995 से लेके 1 जुलाई 2001। और जो एज के बारे में बात करें तो 20 से 26 साल के आपकी अगर एज है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो और आपने बहुत अच्छे से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। नेक्स्ट बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में, देखिए नोटिफिकेशन क्या है ऑफिशियल वेबसाइट पर है, बाकी मैंने पीडीएफ लिंक नीचे भी दे रखा है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, मैं आपको इजीली बहुत असिस्ट अच्छे से करूँगा कि कैसे कैसे आप चीज़ों को फॉर्म कर को फिल करना है, क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही है, चाहे वो आपका आपको पिक्चर अपलोड की बात करें या सिग्नेचर की बात करें या फिर कोई भी डिटेल है अगर आपको मिसिंग हो रही है, आपको ये पता नहीं लग रहा कैसे कैसे करना है, तो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में, तो जितना भी फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में है जो मैंने नीचे वेबसाइट पर दे रखी है। देखिए, जो अभी मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ ताकि जो वीडियो का लेंथ हो बहुत छोटा हो, आपको बिल्कुल फ्रूटफुल और जो नेसेसरी जो डिटेल है वही आपको पता लगे। अब डिटेल जो उसकी वैकेंसी है कि जो आपकी जो नोटिफिकेशन है वो उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो जनरली क्या करता है एफकेट दो अपने नोटिफिकेशन जारी करता है, पहला आपका क्या है शॉर्ट नोटिफिकेशन होता है, इसके अंदर सारी डिटेल होती है कंसाइज वे में, तो मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ जो आपको जो मेजर मेजर चीज़ें हैं वो अभी बता रहा हूँ। बाकी आपकी जो डिटेल है लाइक आपको कौन सा आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है उस फॉर्मेट क्या होना चाहिए, बाकी जुडिशन क्या है, कौन सी चीज़ें आपको जो बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो आपको कई बार बाद में देखनी पड़ती है, तो उसके लिए आप नोटिफिकेशन को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसको अपने पास सेव रखिए ताकि आपको कोई भी चीज़ अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ से आप पढ़ सको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अगर बात करते हैं पे ऑफ द कमीशन कौन सा है, 7th पे कमीशन होगा, रैंक होगी आपके एज पर द डिफेंस मैट्रिक्स। फ्लाइंग ऑफिसर का जो पे स्केल है 50,000 आपका से लेके 1,77,000 है, लेवल 10 है आपका, एमएसपी है 15,500। अलाउंसेज बहुत सारे अच्छे अच्छे अलाउंसेज हैं, ये सारे हम देख सकते हैं कौन कौन से अलाउंस एयरफोर्स हमें देता है। ये बात करते हैं प्रिविलेजेस और इंश्योरेंस के बारे में, कौन कौन सी जो फैसिलिटीज़ हमें इंडियन एयरफोर्स प्रोवाइड करता है स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर, जैसा कि डिफेंस में स्पोर्ट्स और एडवेंचर का तो काफ़ी ज़्यादा हमारा जो एक्सपोजर होता है किसी भी कैंडिडेट के लिए। इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें, एलिजिबल कैंडिडेट आर रजिस्टर्ड टू ऑनलाइन, तो आप ऑनलाइन ही हमें करना है, कोई भी ऑफलाइन मोड नहीं है इसको अप्लाई करने का। ठीक है, और बात करते हैं कैंडिडेट एलिजिबल फॉर वन मोर एंट्रीज आर रजिस्टर्ड टू सेपरेट, अगर कोई भी बंदा जो आपका जो कैंडिडेट है कोई भी अगर पर्सन है जो उसको दो अगर के लिए अप्लाई करना है पोस्ट के लिए जो डिपार्टमेंट के लिए, तो उसको क्या है
दो सेपरेट वैकेंसीज को के लिए फिल करना पड़ेगा आपका रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो एक के लिए दोनों पे अप्लाई करे। टैटूज के परमिशन दे रखिए, कौन कौन से टैटू परमिशेबल हैं, ठीक है। और ये आपके ड्रग्स रिलेटेड जो आपकी गाइडलाइन है इसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो कैंडिडेट बिलो टू द 25 ईयर्स ऑफ द एज मस्ट बी अनमेरिड। जो भी 25 साल से नीचे है वो अनमेरिड होने चाहिए एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स। जब आपका कोर्स हो रहा है उस टाइम पे आपको अनमेरिड होनी चाहिए। विडो और जो को विडोवर्स आर द डाइवोर्स विद द 25 ईयर ऑफ द एज आर नॉट एलिजिबल। जो भी 25 साल से अगर नीचे हैं और वो अगर वो विडो हैं या फिर आपका विडोवर्स हैं और तो वो एलिजिबल नहीं है। ये भाई थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर जो भी बच्चे आपके जो मैरिड हैं उनके लिए थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दिए रखा है उन्होंने बोल्ड लेटर्स में। ट्रैवल अलाउंस वगैरह है, ट्रैवल अलाउंस डू नोट ये इज एडमिसिबल इफ़ यू आर ऑलरेडी अपियर फॉर द सेम टाइप ऑफ एंट्री। अगर आपने इस सिलेक्शन बोर्ड के लिए पहले इसको अपियर किया हुआ है तो कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ हमारी डिटेल हुई क्वेरी के लिए। उन्होंने नंबर दे रखे हैं, अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप इनके ऑफिशियल मेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं और आप कॉन्टैक्ट डिटेल भी है यहाँ पे, आप कॉल भी कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर भी गिवन है। तो ये आपका देखिए बात हुआ एक शॉर्ट डिटेल नोटिफिकेशन। और अगर आपको डिटेल नोटिफिकेशन देखना है तो हमारा ये क्या है, ये आपका डिटेल नोटिफिकेशन दिखाता है। यहाँ से आप देख सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें आपको देखिए लेके चलनी है, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ देखते हैं हमारा, देखिए अगर बात करें डिटेल नोटिफिकेशन, इसमें सब कुछ डिटेल में दिखा हुआ है कि भाई कौन कौन सी वैकेंसी है, क्या क्या आपको लेके चलना है, ठीक है। ये सब डिटेल आप अच्छे से पढ़िए और उसके बाद फॉर्म को फिल कर दिए, ठीक है। ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है, इसमें सारी चीज़ दे रखे हैं, पोस्ट कोड के बारे में बताया हुआ है, एग्ज़ाम स्कीम के बारे में बता रखा है, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो आपको एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोड्यूस करने हैं, कैसे कैसे SSB का जो प्रोसीजर है सारी चीज़ें उन्होंने दे रखी हैं। एग्ज़ाम सिटीज़ कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ इसमें डिटेल में दी हुई है, आप इसको पढ़िए। बात करते हैं एग्ज़ाम शेड्यूल के बारे में। देखिए कैंडिडेट का रिपोर्टिंग टाइम आपका 8 आवर्स होगा और ठीक है, सेकेंड शिफ्ट के लिए आपका 12:30 बजे है और दूसरी शिफ्ट के लिए आपका जो टाइम है वो आपका दोपहर का 12:30 बजे है, ठीक है। डे वन डे टू के लिए जो टाइमिंग वो सेम है, बस शिफ्ट का टाइमिंग है। पहला शिफ्ट आपका 8 बजे से होगा, दूसरा शिफ्ट आपका जो रिपोर्टिंग है वो आपका 12:30 बजे से है, ठीक है। बाकी डिटेल देखिए, अगर वेबसाइट एग्जाम के बारे में बात करें तो आपका जनरल अवेयरनेस है, वर्बल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग है और एप्टीट्यूड है। ये सारा आपका क्या है, नॉर्मल जितना भी जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है वो आपका 2 आवर्स का टेस्ट होगा, जिसका 100 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स का टोटल मैक्सिमम मार्क्स होगा। बात करते हैं इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट, दैट इज EKTB कई बार बोलते हैं, तो मैकेनिकल कंप्यूटर एंड साइंस, इसका क्या है आपका 45 मिनट का टेस्ट होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे और बात करें मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा 150 होगा, दैट मीन्स एक क्वेश्चन का जो वैल्यू है होगा वो 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। और बात करते हैं नेक्स्ट आपके सिलेबस के बारे में। देखिए सिलेबस आपका ये दिया हुआ है, आप इसको यहाँ से पढ़िए और उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये आपका डिटेल सिलेबस है, तो आप यहाँ से आपको पूरा अच्छे से डिटेल नोटिफिकेशन को पढ़िए, उसके बाद आपने अप्लाई करना है। और कोई भी डिटेल अगर आपको मिसिंग लगती है, कोई भी प्रॉब्लम लगती है, आप मुझे डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मैंने अपना मेल आईडी दे रखा है, ठीक है। आप बात करते हैं कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होगी, आपको कैसे प्रिपेयर करना है इन चीज़ों के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए दो चीज़ें हैं इसमें, एक टेक्निकल सेक्शन है और एक है नॉन टेक्निकल सेक्शन, ठीक है। तो अगर ये हमारा क्या होता है 02-20-20 जो हमारा ये बताता है सीक्वेंस क्या है, ये सेकंड है हमारा 2020 जो हमारी सेशन चल रहा है इसका सेकंड FCAT एग्ज़ाम है, ठीक है। एक ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है और जो इसका एग्ज़ाम होगा वो आपका नेक्स्ट ईयर 2021 में होगा, जो जुलाई में इसका जो कोर्स कमेंसमेंट होगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जब आप वेबसाइट का जो लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहाँ पर जाके आप रजिस्टर करोगे और इसके बाद वेरियस आपकी जो डिटेल आएगी आप उसको फॉलो करने के बाद फॉर्म को फिल करोगे। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए आप प्रिपरेशन के बारे में, प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले आपको फॉलो करना है दो चीज़ें, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की प्रिपरेशन कैसे करनी है। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों की प्रिपरेशन आपको इस चैनल पे मिलेगी। सबसे पहले आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि डेली हम सेशन कवर कर रहे हैं, एक टेक्निकल का और दो सेशन हमारे, एक होता है रीजनिंग और दूसरा सेशन होता है आपका जनरल अवेयरनेस या GS का सेशन का, ठीक है। तो ये तीनों सेशन आपके AFCAT एग्जाम के लिए फ्रूटफुल हैं। टेक्निकल के लिए आप जितना भी आप बाहर से टेक्निकल पढ़ रहे हो, आपने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छा है, बट जिन लोगों ने प्रिपरेशन नहीं करी हुई है या फिर जिनको प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप चैनल को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और बात करते हैं पेपर के पैटर्न के बारे में। देखिए जो इंजीनियर नॉलेज टेस्ट होता है आपका EKT, इसके अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, जितने भी PSUs हैं हमारी, लाइक आपके बात करें NTPC के एग्ज़ाम है आपका, ठीक है, NPCIL है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, आपका GATE और ES के जो प्रीवियस ईयर हैं 1 मार्क्स के, वो एज इट इज़ क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट आते हैं, ठीक है। तो जितना भी हमारे एग्जाम्स होते हैं वो टेक्निकल के, वो हमेशा स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस को क्या करता है, वो उठाता है किसी भी एग्जाम के अंदर। तो आप इस प्लेलिस्ट को, मैंने जो लिंक दिया हुआ है नीचे, आप यहाँ से आप जितने भी टेक्निकल सेशन है वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि इन वीडियोस में मैंने गेट और ESC के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड 1 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन है उनको डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ से आप अपनी टेक्निकल प्रिपरेशन को कीजिए और अपना नॉलेज को बूस्ट कीजिए, ठीक है, ताकि आप जब भी टेक्निकल का कोई भी टेस्ट सीरीज लगा रहे हो तो आपको क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम भी फेस करने को ना मिले। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन टेक्निकल के बारे में। देखिए
नॉन टेक्निकल के अंदर आता है आपका आपका सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग, फिर आता है आपका जीएस और आपका आता है साइंस, और जिसके अंदर साइंस में आपका कई और करंट अफेयर और साइंस एंड टेक का पोर्शन कवर करते हो। तो डेली अब हम नॉन टेक्निकल भी डिस्कस करते हैं, इवनिंग में लेक्चर होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारा टेक्निकल के साथ साथ हम डिस्कस करते हैं, जैसे ये वाला लेक्चर हमारा रीजनिंग का है, ठीक है। फिर इसके बाद हम जनरल अवेयरनेस टेक करते हैं। तो आपको क्या करना है, डेली तीन वीडियो फॉलो करनी है। मॉर्निंग में हम टेक्निकल सेशन को कवर करते हैं, इसमें 30-40 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और आफ्टरनून में हमारी वीडियो होती है अबाउट द रीजनिंग क्वेश्चन, ठीक है। एसएससी सीजीएल सीपीओ और आपके एफकैट के जितने भी प्रीवियस ईयर के रीजनिंग क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, और जनरल अवेयरनेस और जीएस के लिए हमारा इवनिंग में वीडियो होता है डेली, उसमें हम कवर करेंगे जनरल अवेयरनेस सेशन को। दैट मीन्स आपको एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, बस आपको बहुत डिसिप्लिन वे में जाना है, बिकॉज आपको अगर डिफेंस में जाना है तो आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए और चीज़ों को कैसे कैसे लेके चलना है वो चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। ये मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला है अपने चैनल का, देखिए हम कौन कौन से टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेन है, स्ट्रेस वर्सेस प्रेशर है, स्ट्रेस वर्सेस टेंसर है, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस, थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी, ये सारे लेक्चर हैं हमारे हीट ट्रांसफर के लेक्चर हैं, ठीक है। और पहले मैंने इनसे पहले कवर कर चुका है ऑलरेडी हमारे इंजीनियरिंग सर्विस और गेट के प्रीवियस ईयर सेशन का, ठीक है। तो आपको अगर टेक्निकली कोई भी प्रॉब्लम होती है, टेक्निकल आपके जितने भी सिलेबस है, तो आप उसके लिए मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से नीचे आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं जितनी भी मेरी पीडीएफ है पुरानी वीडियोज़ की, और वीडियोज़ का लिंक भी नीचे है, जहाँ से आपको अगर आपने ऑलरेडी टेक्निकल सेशन कवर कर लिया है तो वहाँ से आप डायरेक्ट एमसीक्यू लगा सकते हैं जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो ऐसी वीडियोज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए, अगर प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्ट मुझे मेल कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम की, चाहे वो एफकेट की बात करें, चाहे वो आपके एसएससी जेई की बात करें, या एनपीसीआईएल है आपका, एनएलसी का एग्ज़ाम है, वाइजैग स्टील है, ठीक है। तो सारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं ऑलरेडी चैनल पर, तो चैनल को फॉलो कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और जिन लोगों की अच्छी प्रिपरेशन चल रही है तो आप हमारी डेली जो टेक्निकल क्विज है वो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लेते हैं, तो वहाँ पर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम अपने टेक्निकल सेशन को कवर करेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और गुड बाय, गॉड ब्लेस, स्टे होम, स्टे सेफ।